भारतीय रेलवे ने आज 276 ट्रेनों को किया कैंसिल। जी हां, आज देश भर में 276 ट्रेनों को कैंसिल कर दिया गया है। ऐसे में घर से निकलने से पहले आप अपनी गाड़ियों का स्टेटस जरूर जान लें। अगर आज आप ट्रेन से सफर करने वाले हैं तो सावधान रहे। जैसे जैसे देश में सर्दियां बढ़ती है, कोहरे और धुंध के चलते ट्रेनों के कैंसिल होने का सिलसिला भी बढ़ जाता है। रेलवे ने देश भर में आज 9 जनवरी 2023 को डिपार्चर होने वाली 276 ट्रेनों को कैंसिल कर दिया है। रद्द हुई इन ट्रेनों में बड़ी संख्या में पैसेंजर, मेल और एक्सप्रेस ट्रेनें शामिल हैं। हालांकि अगर आपने IRCTC की साइट या रेलवे काउंटर से टिकट खरीदा था तो रेलवे आपको किराया वापस कर देगा। पश्चिम रेलवे के राजकोट मंडल के वागडिया दरडी खंड के दोहरीकरण कार्य के कारण कुछ ट्रेनें प्रभावित होंगी। पश्चिम रेलवे के कुछ जनसंपर्क अधिकारी श्री सुमित ठाकुर द्वारा जारी प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार कई सारी ट्रेनों को कैंसिल कर दिया गया है। 276 ट्रेनों को कैंसिल कर दिया गया है क्योंकि देश में कोहरे का, सर्दी का जो है तापमान बढ़ता जा रहा है और इसी बढ़ती सर्दी, कोहरे और धुंध के कारण आज 276 ट्रेनों को पूरे देश भर में कैंसिल किया गया है।